हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ट्रक स्पार्क में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आपके सामने है महिंद्रा का जोर ग्रांड डीवी प्लस का आज अपन कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इस वीडियो के अंदर अपन इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर रिक्शा के बारे में, डिलीवरी वैन के बारे में सारी डिटेल जानेंगे, चाहे इसकी रेंज हो, कितना चार्जिंग टाइम है, क्या इसकी इंस्टॉलमेंट रहने वाली है, क्या फिर इसमें एक्सोरूम प्राइस रहने वाले, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। शुरुआत करें इसके फ्रंट के फेस से। फ्रंट का फेस देखे तो यहाँ पर आपको बड़ी विंड स्क्रीन नज़र आ जाती है, जिसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर आपको सिंगल वाइपर है जो इसको अच्छे से इसको क्लीन कर सकता है। और जिसके नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको एक महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी सुंदर है। और साथ में देखिए यहाँ पे जो क्रोम का है, यहाँ पे भी आपको क्रोम मिल जाता है। ऊपर की साइड जो स्ट्रिप है वो भी यहाँ पे क्रोम मिल जाती है, जिससे क्या लुकिंग वाइज बहुत शानदार है। और साथ में देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का एक फेंडर मिल जाता है, इससे क्या होता है कि आपको अगर गाड़ी कहीं पर टच भी होती है तो यहाँ पे आपको जो पिचक जाता है, जैसे कि क्रैकेज होने के चांसेस वगैरह यहाँ पे आपको कम हो जाते हैं। इसके जस्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पे आप देखो राउंड शेप में आपको हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स दिए जाते हैं और साथ में यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाता है। लुकिंग वाइज देखें तो यहाँ पे जो पोर्शन है वो काफ़ी शानदार लग रहा है और फ्रंट का जो फेस है वो भी काफ़ी शानदार यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलने वाला है। बात करें इसके टायर की साइज़ की, इसके अंदर जो टायर है नायलॉन के टायर यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, MRF के टायर इसके अंदर यूज़ किए हुए, 4.5-10 के टायर यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलने वाले। बात करूँ इसके सस्पेंशन की तो फ्रंट के अंदर सस्पेंशन देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको जो कोइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिया जाता है और साथ में यहाँ को शॉक अब्जॉर्बर वगैरह यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाता है। बात करें इसके ब्रेक्स की तो यहाँ पे आपको फ्रंट के अंदर ड्रम ब्रेक आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड रहते हैं, जिसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ तो काफ़ी शानदार रहती है। तो फ्रंट का ओवरऑल लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का रहता है और साथ में आपको एक बाहर की साइड निकला हुआ आर्मी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिलीवरी वैन है यहाँ पे जो चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको बाहर की साइड इसके अंदर रखा गया है। दोनों डोर्स के ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हो जोर ग्रांड डीवी प्लस की बैजिंग वगैरह यहाँ पे आपको नजर आ जाती है। साथ में आपको दोनों डोर को यहाँ पे आपको लॉक चाबी से लॉक कर सकते हैं। दोनों के अंदर यहाँ पे आपको स्लाइडिंग ग्लास वगैरह यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो फ्रंट का ओवरऑल लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का रहने वाला है। बात करूँ इसके साइड के प्रोफाइल की तो साइड का प्रोफाइल देखें कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसके अंदर नजर आता है। यहाँ पे जो फेंडर की साइड ऊपर देखो ब्लू कलर का जो मडगार्ड वगैरह दिया जाता है, सेम यहाँ पे आपको पीछे की जो टायर है उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको सेम चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली, जो कि लुकिंग वाइज देखें तो काफ़ी थोड़ा शानदार इसको रिक्शा को बना देती है। तो बात कर लेते हैं इसके कार्गो बॉडी की, तो कार्गो बॉडी की यहाँ पे आपको दो ऑप्शन में आपको अवेलेबल हो जाती है, जिसमें आपको 170 क्यूबिक फीट प्लस यहाँ पे 140 क्यूबिक फीट के अंदर आपको मिल जाती है, जिसका आपको जिस हिसाब से लोड है उस हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके जो कार्गो की साइज़ वगैरह है वो थोड़ी सी यहाँ पे आपको डिफरेंट मिल जाती है, इसके अंदर क्या हाइट वगैरह थोड़ी विड्थ है वो थोड़ी कम मिल जाती है। 170 क्यूबिक फीट की बात करूँ तो 2475 mm और प्लस यहाँ पे 1530 और 2490 mm की यहाँ पे आपको डायमेंशन के साथ आपको मिल जाती है, जिसके अंदर जो टोटल व्हील बेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2200 mm का व्हील बेस इस इलेक्ट्रिक रिक्शा के अंदर आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस यहाँ पे आपको इसके अंदर दिया जाता है, जैसे कि आपको नॉर्मल जो सिटी की रोड्स वगैरह वो यहाँ पे आप इसके अंदर आसानी से चला सकते हो। इसके अलावा बात करें इसके अंदर टोटल GVW का तो यहाँ पे आपको 998 kg का यहाँ पे आपको टोटल GVW मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको 598 kg तक का पे लोड यहाँ पे आप इस डिलीवरी वैन के अंदर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक साइड देखोगे तो यहाँ पे जो बैटरी का जो सेटअप है एकदम यहाँ पे दोनों चीज़ के बीच में रखा गया है, यहाँ डिलीवरी वैन के बीच में रखा गया है, जिसमें यहाँ पे आपको लिथियम आयन की बैटरी इसके अंदर यूज़ की हुई है जो कि 48 वोल्टेज की है और वोल्ट के हैं। प्लस यहाँ पे आपको जो बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 10.24 की यहाँ पे किलोवाट हावर की बैटरी की कैपेसिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है, यानी आपको जो मोटर वगैरह है वो यहाँ पे आपको 16 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करती है, जिससे क्या होता है कि आपके 16% तक की यहाँ पे आपको 20% तक की ग्रेडेबिलिटी यहाँ पे आप इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैं टॉप स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 50 km/h की टॉप स्पीड मिलने जाती है, और इसके अलावा जो सर्टिफाइड रेंज की बात करूँ तो 150+ की तक की यहाँ पे आपको सर्टिफाइड रेंज यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाती है। अगर टिपिकल कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 100+ की रेंज यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको जो रेंज वगैरह वो यहाँ पे मिल जाती है, मतलब यहाँ पे आपको 100+ तक की रेंज यहाँ पे आप इस इलेक्ट्रिक रिक्शा के अंदर यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आप गाड़ी को किस तरीके से यहाँ पे आप इसमें चलाते हो। तो देखिए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉर्क की बात करो तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक रिक्शा के अंदर यहाँ पे आपको 50 Nm का टॉर्क यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों उसके पीछे की जो यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन है कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रबर एंडेड यहाँ पे आपको सस्पेंशन दिया जाता है, साथ में यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक टाइप का शॉक अब्जॉर्बर भी इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो सेटअप है वो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको मिल जाता है, बीच में यहाँ पे आपकी मोटर वगैरह सेटअप है और यहाँ पे जो 16 हॉर्स पावर की मोटर है और साथ में आपको ड्राइव एक्सल यहाँ पे आप इसके अंदर देख सकते हो, और यहाँ पे आपको जो कंट्रोलर वगैरह है वो यहाँ पे दिया जाता है। इसके जस्ट आगे की साइड यहाँ पे आपको जो लिथियम आयन की बैटरी है वो यहाँ पे आपको इसके अंदर सेटअप वगैरह दिया हुआ है।
है। तो कुछ इस तरह का सेटअप वगैरह यहाँ पे आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू है जिसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ पे आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर मिल जाता है। पीछे की साइड देखिए तो यहाँ पे आपको जो डिलीवरी वैन है वो यहाँ पे आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और साथ में आपको रेडियम वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड, यहाँ पे आपको टेल लैंप्स है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए ऑप्शन दिया जाता है। तो कुछ इस तरह का सेटअप यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाता है। आपको एक अंदर की साइड से इसको जो कार्गो बॉडी वो चेकआउट करवा सकते हो, यहाँ पे उसको लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो और जल्दी लॉक कर सकते हो। और ऊपर की साइड भी जो ताला वगैरह वो यहाँ पे आप इसमें लगा सकते हो। और साथ में देखे तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रिप वगैरह वो भी यहाँ पे आपको इसमें मिल जाती है। अंदर की साइड देखे तो यहाँ पे आपको काफ़ी चौड़ी यहाँ पे कार्गो बॉडी वगैरह मिल जाती है, जिसके अंदर आपको लगभग 600 kg तक का पेलोड यहाँ पे आप इसके अंदर डाल सकते हो। यहाँ पे आपको जो मार्केट लोड्स है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, या फार्मास्यूटिकल है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल्स वगैरह या फिर जो भी नॉर्मल मार्केट का लोड है उसके अंदर यहाँ पे आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी की तो बात करूँ तो मेरे हिसाब से काफ़ी इस लोड के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी महिंद्रा अपने इस इलेक्ट्रिक जोर के अंदर जो ग्रांड डीवी है उसके अंदर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाती है। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर की साइड देखें, केबिन एरिया के अंदर देखें तो केबिन एरिया कुछ इस तरह का, यहाँ पे आप दोनों डोर लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉपर के लिए यहाँ पे आपको रबर स्टिप वगैरह यहाँ पे आपको लगाई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बोतल होल्डर है, यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी बैटरी वगैरह दी जाती है, यहाँ पे फ्यूज वगैरह के ऑप्शन दिया गया। साथ में जो सीट है डुअल टोन कलर के साथ आपको मिल जाती है, जिसकी कुशनिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है। पीछे की साइड भी आपको सपोर्ट दिया जाता है। और साथ में देखें तो यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे आपको जस्ट नीचे की साइड दिया जाता है, जिससे क्या होता है आप इजीली लॉक वेल मतलब ओपन वगैरह कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। साथ में हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स वगैरह एफिशिएंसी है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, जिसके ब्रेकिंग हाइड्रोलिक ब्रेक इसके अंदर यूज किए हुए हैं। यहाँ पे आपका ब्रेक है, यहाँ पे आपका पार्किंग लीवर है, हैंडल बार भी यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर के अंदर आप यहाँ आपको नजर आने वाला है, जिसमें आपको स्पीड वगैरह देख सकते हैं, फॉरवर्ड वगैरह न्यूट्रल है, प्लस यहाँ पे रिवर्स वगैरह है, यहाँ पे आपको स्विच वगैरह दिए जाते हैं, यहाँ पे आपका एक्सीलेटर है। और साथ में यहाँ देखें तो लोकेबल ग्लो बॉक्स है, जिसमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे आप इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे आपको हॉर्न है, प्लस यहाँ पे आपका देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको इंडिकेटर है, प्लस हेडलाइट्स है। यहाँ पे आपको जो बूस्ट और इकोनॉमी की स्विच यहाँ पे आपको इसके अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, वाइपर्स के कंट्रोल्स है, हैजार्ड इमरजेंसी स्विच है। और साथ में यहाँ पे आपको छोटा सा यूटिलिटी स्पेस वगैरह यहाँ पे आपको इसके अंदर दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इसके ऑन करने के बाद किस तरह का व्यू आता है। यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसके अंदर नजर आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी के अंदर चार्ज है, कितना किलोमीटर चल चुकी है, प्लस यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह कितनी नजर आएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का सेटअप यहाँ पे आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक रिक्शा के अंदर यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों आप बात करें इसके प्राइस की, इसके एक्शोरूम प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लगभग 3.5 लाख के आसपास की एक्शोरूम प्राइस दी जाती है। और साथ में ऑन रोड प्राइस यहाँ पे लगभग आपको 4,30,000 के आसपास यहाँ पे आपको उसके अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें इसका जो डाउन पेमेंट है, लगभग 70,000 से 80,000 रुपये तक का डाउन पेमेंट यहाँ पे आपको इसके अंदर देना पड़ेगा। और जिससे क्या होता है कि आपकी जो अगर लोन वगैरह करवाते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 साल का अगर लोन करवाते हैं लगभग यहाँ पे 12 से 13 हज़ार के बीच में यहाँ पे आपको EMI आकर मिल जाती है। इसके अलावा बात करें इसके रेंज की, इसको चार्ज करने के लिए लगभग यहाँ पे आपको 4 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको इसके अंदर लगने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन ने इस इलेक्ट्रिक रिक्शा के बारे में सारी डिटेल जानने या कवर करने की कोशिश करी है। अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।